हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो हमारा कार्टून कैरेक्टर का कैरेक्टर नंबर 3 स्टार्ट किए हुए हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी इमेज को ले लेता हूँ। तो इसके इमेज में अभी यहाँ पे क्या कमी रह रही है, इसका तो ये पूरा हेड तैयार हो चुका है, अभी इसमें इसके बाल रह गए हैं, तो हम इसके बाल को बनाएंगे। ओके, तो पहले मैं इसको, ये सेंटर में है, पहले मैं यहाँ पे इसको बनाने के लिए यहाँ पे मिरर जाता हूँ और सब डिवीज़न को पहले ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो अभी इसके बाल में देखिए क्या क्या चीज़ समानता है, दोनों तरफ क्या सिमिलर है। जो सामने का जो ये कट निकला हुआ उसमें थोड़ी चेंजेस आ रही है और बाकी साइड का ठीक है। तो पहले हम मिरर को अप्लाई किए हुए हैं, मिरर लगाए हुए हैं, इस कारण से हम एक साइड करेंगे दूसरी साइड ऑटोमेटिक होगा, पर ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमको मिरर को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, उससे पहले हम इसके कट्स बना लेते हैं। तो टैब प्रेस करके एडिट मोड में आइए और यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड में चले जाइए। तो मैंने ये कट लगाए हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं, ये कट है। तो मैं इसको डिसॉल्व कर देता हूँ। ये डिसॉल्व हो चुका है हमारा, अभी यहाँ पे हम कट लगाएंगे। तो 3 प्रेस कीजिए और इसको साइड से देखिए, तो साइड से इसका ये हेयर स्टाइल बना हुआ है। ओके, तो कान के पास से बना हुआ है, तो वैसे हम भी इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से कट लगा के इधर लेके जाने का ये बोल रहा है, तो के नाइफ टूल लीजिए यहाँ से, कट मारिए। इधर जाएगा, फिर इधर को चल जाएगा। ये अभी यहाँ जा चुका है, तो शिफ्ट भी प्रेस करके इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं और इसको भी शिफ्ट भी प्रेस करके यहाँ ले लेते हैं। तो अभी ये नहीं जुड़ा है कहीं पे, तो हम यहाँ से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बैक का साइड हो गया और इधर से हम ये साइड निकाल के और साइड वाला लगा लेते हैं यहाँ पे के, ये इधर से लाइनिंग आएगी और फिर इधर को जाएगी आप, फिर इसमें यहीं रखते यहाँ पे कनेक्ट होके इधर से कट मार जाएगा। तो ये हो चुका है, अभी हम यहाँ पे साइड कट लगाते हैं। तो साइड में क्या किया उसने, तो पहले तो यहाँ गए हैं थोड़ा एक कट, सामने से देखे तो अभी ये वाला तैयार करना हमको। तो ये यहाँ से जाएगा और ये थोड़ा हम यहाँ लगा देते हैं इसको और फिर ये जा ही रहा है यहाँ से। ओके, अभी हम मिरर को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अभी जो हमको कट चाहिए था वो हमको यहाँ पे लगाना है, तो उसके लिए नाइफ टूल लीजिए। तो ये कट तो यहाँ पे लगा ही हुआ है, तो अभी हमको थोड़ा इसको इधर की तरफ बढ़ाना है, शिफ्ट भी प्रेस इसको थोड़ा आगे करते हैं, शिफ्ट भी प्रेस इसको थोड़ा इधर करते हैं। तो ये हो चुका है और इसको आपस से मर्ज कर देते हैं। तो हमको जो कट चाहिए था उसके लिए हम अभी रेडी कर चुके हैं।
अभी सिलेक्ट करते हैं, तो 3 प्रेस कीजिए, सी प्रेस करके इसको बड़ा कर लीजिए और इस तरह से सबको सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी हमारा जो ज़्यादा सिलेक्ट हो रहा है उसको हम डिसलेक्ट करें, कंट्रोल 3 प्रेस कीजिए तो उसके अपोजिट साइड में आ जाएंगे आप, फिर सी प्रेस करके इस सबको सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी तो मेनली हमको जो सिलेक्ट करना था वो हो गया, अभी देखते हैं कि एक्स्ट्रा क्या सिलेक्ट हुआ है। तो ये सिलेक्ट नहीं, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको 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 सिलेक्ट कर लीजिए, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, इस पार्ट को सिलेक्ट करना है, ये पार्ट तो हमारा सिलेक्टेड है। और यहाँ से जो कट मारे थे हम, इसको हम डिसलेक्ट कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस करके ऐसे ड्रैग कीजिए तो डिसलेक्ट होगा। और ये कट के अकॉर्डिंग सही जा रहा है, ये सब को हम हटा देते हैं, यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं इसकी। तो ये हमारा हो गया है, अगर साइड से देखते हो तो हेयर इतना ही रहेगा, और कहीं पे कुछ कमी है, यहाँ पे कमी है, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा हो चुका है, हमने जो कट लगाया उसके अकॉर्डिंग इसकी हेयर स्टाइल को चेक करते हैं, तो हेयर स्टाइल भी इसका थोड़ा थोड़ा हमारे साथ मैच कर गया है। तो सब जगह से सिलेक्ट कर लीजिए। अब अभी हमको एक्सट्रूड करेंगे, तो ई प्रेस करके एस्केप बटन प्रेस कीजिए और एस प्रेस कीजिए 1 टाइम थोड़ा सा, फिर ई प्रेस कीजिए, एस्केप प्रेस कीजिए, फिर एस प्रेस करके इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लीजिए इतना। तो एक्सट्रूड हो चुका है, अभी कंट्रोल प्लस कीजिए और यहाँ पे आ चुके हैं, फिर कंट्रोल प्लस कीजिए और ये पे जाइए और मेटल पे जाके इसको असाइन कर दीजिए। तो हेयर स्टाइल इसका बाल तैयार हो गया। अगर हम सब डिवीज़न को ऑन करते हैं फिर देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम आई है, टैब प्रेस करके देख रहे हैं तो हेयर यहाँ पे आ चुका है, तो हमको यहाँ तक नहीं लेके जाना है। तो टैब प्रेस कीजिए, कंट्रोल माइनस कर लीजिए और फिर यहाँ पे जाके पहले कंट्रोल प्लस कीजिए, फेस पे जाके इसको असाइन कर लीजिए, फिर कंट्रोल माइनस करके फेस मटेरियल पे जाके इसको असाइन कर दीजिए, फिर टैब प्रेस करके देखिए। तो इसका हेयर ये रेडी हो चुका है, इस तरह से हम बना रहे थे। ओके, तो इस तरह से आप हेयर स्टाइल इसका बना सकते हैं। अगर हम पीछे से देखें तो पीछे से इसका बाल ज़्यादा दिख रहा है, जो कि यहाँ पे इसके बाल में नहीं दिख रहा है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाके अल्ट जेड प्रेस करके ट्रांसपेरेंट मोड में आ जाएंगे और इसको हम मिरर कर लेंगे। ठीक है, अभी हमको जो बाल बनाना था वो तो हमारा बन गया है, अभी जो हमको और कुछ चेंजेस करना है, एक साइड तो दूसरे साइड ऑटोमेटिक हो, तो हम उसके लिए यहाँ पर मिरर लेते हैं, इसको फर्स्ट में रख दीजिए, अल्ट जेड प्रेस करके देखते हैं, 3 प्रेस करके देखते हैं। तो ये हमारा ज़्यादा सेलेक्ट हो चुका है, तो हम ये प्रेस करके देखते हैं। तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं, अगर ये ऐसा हो चुका है तो सी प्रेस करके इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जेड, सी प्रेस को छोटा कर लीजिए और मान चलिए हमको इतना हेयर नहीं चाहिए इसका। तो इसे वो सेलेक्ट करके उधर भी सेलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे मटेरियल में जाके और इसका जो बॉडी कलर था वो असाइन कर दीजिए यहाँ पे। आप फिर आप देखेंगे तो ये तो हो गया है बट ये वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा ये चीज़ को आप पहले चेक कर लीजिए ताकि आपके लिए सहूलियत हो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है पूरी तरह से जुड़ नहीं रहा है, यहाँ पे आके देखेंगे तो इसलिए टैब प्रेस कीजिए और इसमें जाइए
और इसको यहाँ से ट्रैक करके देखिए, क्लिपिंग को ऑन करना पड़ेगा और फिर करेंगे तो यह हो जाएगा। तो अल्ट में सबको सेलेक्ट कर लीजिए अल्ट प्रेस करके और फिर ऐसे ड्रैग कीजिए, ये प्रॉब्लम आपके एक साथ में सॉल्व हो जाएगी। अब टैब प्रेस करके देखता हूँ तो वैसे हमारा हेयरस्टाइल तैयार हो गया है और ये अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि एज इट इज़ ही बनना चाहिए, वो कुछ डिफरेंट बन सकता है, बट एक प्रॉब्लम है, हमने यहाँ पे बड़ी मिस्टेक की, ये वाला पार्ट तो एक्सट्रूड नहीं हुआ हमको। तो कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, देखिए 6 टाइम ही कंट्रोल जेड प्रेस करने से वापस बैक जा सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे रुक चुका है। तो ये प्रॉब्लम आई हमारे पास कि अगर हम देख रहे फेस सिलेक्शन मोड में तो ये पार्ट हमारा सिलेक्टेड नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको सब डिवीज़न को ऑफ करते हैं और इस पार्ट में आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इधर से भी हमारा सिलेक्टेड है। तो मिरर अभी हमने नहीं लगाया क्योंकि हम कंट्रोल जेड कर स्क्रिप्ट बैक किए हैं, इस कारण से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए आप ई प्रेस कीजिए और एस प्रेस कीजिए, ऐसे में ये नहीं होगा। अब ई प्रेस करके और एक्सट्रूड कीजिए, फिर ई प्रेस करके एक्सट्रूड कीजिए, तो इतने पार्ट तक इसको रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया है, पर अगर सब डिविज़न लगाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिखेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज में आता हूँ और इसको मैं इधर ड्रैग करता हूँ, तो ये दो एज इधर इधर दिख रहा हमको। तो फेस सिलेक्शन मोड में जाके पहले मैं इसमें आता हूँ, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डिलीट फेस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ भी डिलीट फेस कर दीजिए, तो ये सब डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर वर्टेक्स मोड में आइए और इसको मैं थोड़ा जी प्रेस करके मूव करता हूँ और इसको, तो ये दो वर्टेक्स है, इसको इसको सेलेक्ट कीजिए और एम प्रेस करके एट सेंटर कर दीजिए, तो ये मर्ज हो जाएगा। फिर इसको इसको सेलेक्ट करके एम प्रेस करके और एट लास्ट कीजिए, तो ये वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पे लास्ट में आपने सेलेक्ट किया था। सेम इस पार्ट में भी वही करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कुछ एज हैं, ये वर्टेक्स हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इसको इसको सेलेक्ट करते हैं, एम प्रेस करते हैं और एट लास्ट इसको सेलेक्ट कीजिए, एम प्रेस करके एट सेंटर कर दीजिए। अगर मैं अब इसको ऑन करता हूँ तो फिर भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये जो वर्टेक्स हैं ये कहीं पे शायद ऐड नहीं हुआ है, अब देखते हैं। जी प्रेस कर देते ये कहीं खाली है, ये किसी के साथ लिंक नहीं हुआ तो हम इसी के साथ एम प्रेस करके मर्ज कर देते हैं। आप देखते हैं कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसके अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये तो हमारा क्लियर हो गया है, इसके अंदर जाते हैं यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस फेस को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, अभी सॉल्व हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम। इसके अंदर जाके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो ये सॉल्व हो चुका है। बट अगर मैं हेयर में यहाँ पे मेटल में जाऊँ तो ये तो नहीं दिख रहा है। इस फेस को सिलेक्ट कीजिए, फिर इस फेस को सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट प्रेस किए हुए, फिर शिफ्ट प्रेस किए हुए इसको सिलेक्ट कीजिए और फिर मेटल बॉडी में जाके और इस मेटल को यहाँ पे असाइन कर दीजिए। और फिर अब मैं मिरर लेता हूँ और मिरर लेके यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो दूसरे साइड भी आ जाएगा और इसको फ्रंट में रख लीजिए। अब यहाँ पे फिर से हेयर में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके हेयर में प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 प्रेस करके इसे टॉप व्यू में आ जाइए और यहाँ सॉलिड मोड में आके इसको टैब प्रेस कीजिए और ये सब डिवीज़न कुछ देर के लिए ऑफ कर लीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए। अल्ट प्रेस करके इस लूप में इस सब को सेलेक्ट कीजिए और क्लिपिंग को ऑन कर लीजिए और इसको इधर जोड़ दीजिए, फिर टैब प्रेस कीजिए और सब डिवीज़न को ऑन कर दीजिए।
तो ये रेडी हो चुका है। तो इसमें क्या है, ये चीज़ सब आप पहले देखना होगा। अभी यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आई, हम जैसे ही मिरर लगाए तो हमारा जो ये हमने हेयर स्टाइल बनाया था वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कॉपी किया हुआ था कि हम एक साइड जो करेंगे वो दूसरा साइड ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसको हमको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं मिरर को ऑफ़ करता हूँ तो मिरर को मैं अप्लाई ही कर देता हूँ। अब फिर से मैं हेयर स्टाइल को यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करता हूँ, इसके लिए मैं सब डिवीज़न को ऑफ़ करता हूँ, की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आके फिर के प्रेस करता हूँ, इतना ही काफ़ी है। फिर सिलेक्शन मोड में जाइए, अभी फिर से हमको ये वही करना पड़ेगा, इसलिए ये चीज़ सब आपको पहले ही देखना पड़ेगा। ई प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे, फिर ई प्रेस करके एक बार और एक्सट्रूड करेंगे, सेवन प्रेस करके देखिए तो ये इधर को जा रहा है। कंट्रोल प्लस कीजिए तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको यहाँ पे थोड़ा ड्रैग करके रख लीजिए, सेवन प्रेस करके देखते रहिए, ज़्यादा ऊंचा चल गया है। तो ये यहाँ पे आ चुका है, अभी फिर से हमको वही करना पड़ेगा। इस फेस को सिलेक्ट कीजिए और फिर डिलीट फेस पे क्लिक कर दीजिए तो ये फेस डिलीट हो जाएगा। सेम इसके साथ भी करना है, इसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट फेस पे डिलीट कर दीजिए। इस फेस को भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिलीट फेस, ओके। अगर मैं अंदर आता हूँ इसके सॉलिड मोड में तो ये फेस है, इस फेस को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डिलीट फेस पे क्लिक कर दीजिए तो ये डिलीट हो चुका है। अभी हम वर्टेक्स में जाएंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए, एम प्रेस करके एट सेंटर, इसको सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट में, एम प्रेस करके एट सेंटर, एम प्रेस करके एट सेंटर कीजिए, इसको सेलेक्ट करके एम प्रेस करके एट सेंटर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और एम प्रेस करके एट सेंटर कर देते हैं। तो ये कंट्रोल जेड कीजिए, इसको सेलेक्ट रखिए, एम प्रेस करके एट सेंटर कीजिए। तो ये हमारा हेयर स्टाइल जो था हम बनाना चाहते थे वो बन गया। अब सब डिवीज़न को ऑन करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो फिर सिलेक्शन मोड में जाके इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, मेटल प्रॉपर्टीज़ में आके मेटल पे जाके असाइन कर दीजिए। तो ये इस तरह से बन गया है। तो ये हमको इतना मेहनत इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने पहले ख्याल नहीं रखा और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आ गई। तो ये चीज़ आपको पहले ही देखना होगा कि कुछ भी मॉडिफाई करना है, क्या रखना है, किस तरह से रखना है, पहले आप डिसाइड कर लीजिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो फिर वो एडजस्ट करने में आपका टाइम टेकिंग जाएगा और ज़्यादा मेहनत जाएगा। तो इस चीज़ को आप पहले ही सॉल्व करके रख सकते हैं। तो ये हमारा हेयर स्टाइल तैयार हो चुका है। तो हमने देखा कि इस वीडियो में कि किस प्रकार से इसको हेयर स्टाइल बनाया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो हमने इस चीज़ को देखा। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में और इसके बॉडी को कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो।